ओके okay, तो अब देखिए हम लोगों ने लास्ट क्लास में बॉन्ड एनथेरेपी पूरी तरह से डिस्कस कर लिया और नेक्स्ट अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं अबाउट द रेजोनेंस एनथेरपी ठीक है रेजोनेंस एनथेल्पी या फिर रेजोनेंस एनर्जी तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जीओसी में हम लोगों ने रेजोनेंस एनर्जी का कंपैरिजन सीखा था कि किसकी रेजोनेंस एनर्जी कम होगी किसकी ज्यादा होगी यहां पर इस चैप्टर में थर्मोकेमिस्ट्री में हम लोग रेजोनेंस एनर्जी का कैलकुलेशन डिस्कस करने जा रहे हैं कि कैसे रेजोनेंस एनर्जी को कैलकुलेट किया जा सकता है ठीक है इसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे डेल्टा एच आर ई मतलब रेजोनेंस एनथेल्पी ठीक है डेल्टा एच आर ई इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे तो ये होता क्या है सबसे पहले इसे डिफाइन करते हैं डेफिनेशन तो जीओसी में भी मैंने दी थी कि इट इज डिफाइंड एज इट इज डिफाइंड एज

द रेजोनेंस हाइब्रिड जो रियलिटी में एग्जिस्ट करता है वो हाइब्रिड होता है ठीक है और ये बात हमने कई बार सुनी है कि रेजोनेंस इज अ स्टेबिलाईजिंग फिनोमिन रेजोनेंस से हमेशा स्टेबिलिटी ऑफ द सिस्टम जो है वो इंक्रीज करती है ठीक है तो जो हाइब्रिड है ठीक है जिसका एक रियल एग्जिस्टेंस है उसकी स्टेबिलिटी हमेशा कैनोनिकल स्ट्रक्चर से ज्यादा होगी ठीक है और अगर इसी चीज को हम लोग एक एनर्जी के मैप पे रिप्रेजेंट कर दें मान लीजिए ठीक है जैसे फॉर एग्जाम्पल लेट से कि एक हमने ये कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाया और अगर बेंजीन मॉलिक्यूल की बात करें तो बेंजीन का जो हाइब्रिड है वो कुछ इस तरह से होता है बेंजीन सबसे कॉमन केस है रेजोनेंस का बहुत पॉपुलर एग्जाम्पल है सो दिस इज द एक्चुअल बेंजीन द रियल बेंजीन है ना जो वास्तविकता है वो ये है इसको हम लोग क्या बोलते हैं इसको हम लोग बोलते हैं रेजोनेंस एनर्जी तो बढ़ रही है तो ये रेजोनेंस हाइब्रिड है और जो बेनजीन का थियोरिटिकल स्ट्रक्चर है जो हम पेपर पे बनाते हैं विच इज दल स्ट्रक्चर वो कैनोनिकल स्ट्रक्चर ये होता है तो इसको बच्चों हम लोग बोलते हैं रेजोनेस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर या रेजोनेंस स्ट्रक्चर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ठीक है तो हाइब्रिड इज ऑलवेज मोर स्टेबल एनी ऑफ़ कैनोनिकल स्ट्रक्चर और सबसे ज्यादा स्टेबल कैनोनिकल स्ट्रक्चर और हाइब्रिड के बीच में जो एंथेल्पी का डिफरेंस है उस एंथेलपी के डिफरेंस को हम लोग रेजोनेस एंथेल्पी बोलते हैं ये एनर्जी का डिफरेंस इज नोन एज डेल्टा एच आर ई मतलब स एनथेल्पी ठीक है जनरली इसकी वैल्यू नेगेटिव ली जाती है और इस वजह से इसकी वैल्यू जनरली नेगेटिव ली जाती है ठीक है इसको नेगेटिव हम लोग लेते हैं जनरली लेकिन हाँ ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए कि हाइब्रिड ज्यादा स्टेबल है और जो आर एस है उसकी स्टेबिलिटी कम है हाइब्रिड इज द एक्चुअल थिंग द कैनोनिकल स्ट्रक्चर या आर एस इज द थ्योरटिकल थिंग ठीक है वो पेपर पे एग्जिस्ट करता है हाइब्रिड रियालिटी में एग्जिस्ट करता है ठीक है और हाइब्रिड सबसे ज्यादा स्टेबल है तो क्वेश्चन में इसका किस तरह से यूज करेंगे कि कभी मान लीजिए हम लोगों को हाइब्रिड से अगर कैनोनिकल स्ट्रक्चर में जाना है सुनते जाना बात को ध्यान से अभी ठीक है हाइब्रिड से ये हो गया क्या आर और ये क्या हो गया आर एस रेजोनेंस स्ट्रक्चर और ये हो गया रेजोनेंस हाइब्रिड तो हाइब्रिड से हमको कैनोनिकल स्ट्रक्चर में अगर जाना है तो यहां पर क्या हो जाएगा प्लस रेजोनेंस एनर्जी रेजोनेंस एनर्जी देनी पड़ेगी ना बेटा कम एनर्जी से ज्यादा एनर्जी जा रहे हो तो यहां पे प्लस रेजोनेंस एनर्जी ठीक है जनरली उसकी वैल्यू नेगेटिव रिपोर्ट की जाएगी मतलब स्टेबिलाईजेशन है वो बट कभी इस तरह का स्टेप करना है तो रेजोनेंस एनर्जी प्लस और अगर इसका उल्टा स्टेप करना है मतलब कहने का कि हमको कभी आर एस से आर एच में आना है ठीक है दिस इज द थ्योरिटिकल बेंजीन ये थ्योरिटिकल वाली बेंजीन, है पेपर पे एग्जिस्ट करने वाली और ये है एक्सपेरिमेंटल बेंजीन जो एक्चुअल में बेंजीन है वो ये है ठीक है दिस इज एक्सपेरिमेंटल बेंजीन ऐसे भी सोच सकते हैं तो यहां से हमको अगर यहां पर आना है तो ऐसे केस में दिस इज आर एस एंड दिस इज आर एच तो इस केस में एनर्जी रिलीज होगी सो दिस विल बी माइनस रेजोनेंस रेजोलेंस मतलब नेगेटिव साइन आएगा इस केस में क्योंकि हाइब्रिड सबसे ज्यादा स्टेबल है तो उसकी एनर्जी कम है तो यहां से यहां जब आ रहे हो तो एनर्जी रिलीज होगी अब क्वेश्चन आता है कि इसकी जरूरत हमें सवालों में कैसे पड़ेगी तो देखो इसकी जरूरत हमें इस तरह से पड़ेगी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करो जैसे पिछली क्लास में हमने ये डिस्कस किया था कि बॉन्ड एनथेलपी के बारे में मैंने बताया था कि बॉन्ड एनथेलपी का जो डेटा है वो हम लोग गैस फेज में डालते हैं ठीक है और होमोलाइटिक बॉन्ड डिसोसिएशन के लिए डालते हैं यहां पर आज की क्लास में मैं उसी में एक पॉइंट और एड करने जा रहा हूं कि बॉन्ड एनथेलपी बॉन्ड एंथेल्पी डेटा इज ऑलवेज सब्स्टिट्यूटेड इज ऑलवेज सब्स्टिट्यूटेड इन द काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कुछ अच्छे क्वेश्चंस में इसकी जरूरत पड़ती है इन द कैनोनिकल स्ट्रक्चर ठीक है क्योंकि कैनोनिकल स्ट्रक्चर ही वो स्ट्रक्चर है जहां पर आपको एक्चुअल बॉन्ड्स दिखाई दे रहे हैं ठीक है जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बेंजीन का कैनोनिकल स्ट्रक्चर बनाऊं बेंजीन का कैनोनिकल स्ट्रक्चर बनाऊ तो बेंजीन का कैनोनिकल स्ट्रक्चर ये हो गया भाई ठीक है तो अब इसमें मुझे क्लियरली बॉन्ड्स वेल डिफाइंड है कि यहां पर तीन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हैं तीन कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड हैं और छह कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड है है ना मतलब सिग्मा बॉन्ड या सिंगल बॉन्ड ठीक है तीन कैसे हैं सी सी डबल बॉन्ड एक दो पहले एक ये दो और ये तीन फिर तीन क्या है कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड ठीक है और छह क्या है कार्बन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड तो रेजोनेंस स्ट्रक्चर जो कैनोनिकल स्ट्रक्चर है उसमें बॉन्ड्स आर वेल डिफाइंड ठीक है ऑन द अदर हैंड जब हम लोग हाइब्रिड बनाते हैं तो हाइब्रिड में तो पार्शियल बॉन्ड बॉन्ड डबल कैरेक्टर जैसी कुछ बात होती है तो यहां पर बॉन्ड है ही नहीं अब तुम इसको क्या बोलोगे इसमें सीसी सिंगल बॉन्ड की एनर्जी डालोगे कि सीसी डबल बॉन्ड की एनर्जी डालोगे कोई नहीं डाल पाओगे क्योंकि तो डिफाइंड ही नहीं है दैट इज द इंटरमीडिएट सिचुएशन पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर जैसी चीज तो कभी भी हम लोग हाइब्रिड के स्ट्रक्चर में बॉन्ड एनर्जी का डेटा सब्सट्रीट्यूट नहीं कर सकते हमेशा हम लोग कैनोनिकल स्ट्रक्चर में ही

इससे इससे बना 15 by, 15 बाय बाय प्लस गैस गैस हमने लिया ठीक है तो इससे हम लोगों को मिल गया 6 CO2 गैस और पानी चाहो तो वैसे तो रूम टेम्परेचर है तो लिक्विड बनाना चाहिए बट लिक्विड बनाएंगे तो बहुत लंबा सवाल हो जाएगा तो वो लिक्विड वाला कॉन्सेप्ट तो बॉन्ड एनर्जी के टर्म में मैं पिछली क्लास में इलेट्रेट कर चुका हूं कि प्रोडक्ट साइड पे सॉलिड या लिक्विड है तो क्या करना होता है

हाइब्रिड uh, वाली बेंजीन होगी या ये वो बेंजीन कैनोनिकल स्ट्रक्चर होगी अरे भाई कैनोनिकल स्ट्रक्चर तो हो ही नहीं सकता कैनोनिकल स्ट्रक्चर तो पेपर पे है ना कहीं पर भी तुम बेंजीन को लेके काम कर रहे हो तो वो सारी की सारी बेंजीन हमेशा क्या है वो एक्सपेरिमेंटल बेंजीन है दिस इज एक्सपेरिमेंटल रियालिटी में बेंजीन ये है ठीक है लेकिन थ्योरी में पेपर में बेंजीन ये है अब सपोज करो तुम यहां पर बॉन्ड एंड का डेटा पुट करना चाहते हो तो बॉन्ड एन्थैल्पी का डाटा पुट करने के लिए पहले तुम्हें C6H6 लिक्विड से बनाना पड़ेगा C6H6 लिक्विड तुम बोलोगे सर ये क्या है लिक्विड से लिक्विड बना ये तो कोई प्रोसेस ही नहीं हो रहा है लेकिन प्रोसेस यहाँ पे इस तरह से सोचो प्रोसेस ये हो रहा है कि ये थी एक्सपेरिमेंटल बेंजीन और यहां से मेरे पास आई थ्योरेटिकल बेंजीन ठीक है और ये है हाइब्रिड और ये है पेपर वाला स्ट्रक्चर तो इस केस में मुझे क्या करना पड़ेगा मुझे यहाँ पर रेजोनेंस एनर्जी के बराबर की एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी फिर मैं बॉन्ड एंथैल्पी देना चाहता हूं तो बॉन्ड एंथैल्पी का डेटा के मुझे गैस फेज में भी आना पड़ेगा तो फिर मैं इसको C6H6 गैस में ले आऊंगा ठीक है और अब मैं बॉन्ड एंथेल्पी की बात कर सकता हूं ठीक है तो ये C6H6 गैस आ गया ठीक है प्लस 15 बाई टू ओ गैस आ गया गोस टू सिक्स सीओ टू गैस आ गया और थ्री एच टू मैंने गैस ले लिया नहीं तो अगर लिक्विड लेता तो और फिर इधर भी वो वाला चीज आ जाता जो पिछली क्लास में समझा चुका हूँ क्या होता ठीक है तो अब बताओ भाई इसमें जैसे हम लोग लिखना चाहें तो ब्रेक बॉन्ड्स फॉर्म बॉन्ड्स करेंगे तो डेल्टा एच नॉट कंबशन ऑफ बेंजीन सी सिक्स एच सिक्स लिक्विड ठीक है तो सबसे पहले क्या क्या काम किया हमने पहले तो रेजोनेंस एनर्जी सप्लाई किया तो रेजोनेंस एनर्जी सप्लाई कर दिया है ना उसको ऐसे लिख लीजिए या फिर ऐसे लिख लीजिए डेल्टा एच आर ठीक है डेल्टा एच डेल्टा एच आर ऑफ बेंजीन अच्छा फिर इसके बाद क्या किया हमने डेल्टा एच वेपराइजेशन उसको लिक्विड से गैस में भी तो लेके आए डेल्टा एच वेपराइजेशन ऑफ सी सिक्स एच सिक्स लिक्विड ये काम किया ठीक है फिर इसके बाद हमने क्या काम किया अब हमारे पास गैस फेज में आ गया है और अब यहां पे आने के बाद हम लोग ब्रेक बॉन्ड फॉर्म बॉन्ड्स लगा सकते हैं तो सी सिक्स एच सिक्स का ब्रेक बॉन्ड करेंगे पहले तो इसको बोलेंगे थ्री टाइम्स यहीं से प्लस कंटिन्यूड है ना थ्री टाइम्स डेल्टा एच बॉन्ड एंड थेल्पी ऑफ सी डबल बॉन्ड सी प्लस थ्री टाइम्स डेल्टा एच बॉन्ड एंड थेल्पी ऑफ सी सिंगल बॉन्ड सी प्लस सिक्स टाइम्स डेल्टा एच बॉन्ड एंड थेल्पी ऑफ सी सिंगल बॉन्ड एच प्लस फिफ्टीन बाय टू डेल्टा एच बॉन्ड एंड थेल्पी ऑफ थोड़ा लंबा बन रहा है लेकिन अंडरस्टैंडिंग के लिए लिख लेते हैं डबल बॉन्ड ओ एक्चुअली लंबा इसलिए लग रहा है क्योंकि मैंने वो एक्स वाई जेड नहीं माना यहाँ पे नहीं तो अभी तक तो क्वेश्चन में एक्स वाई जेड मान लेता था ठीक है उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है चलो ये ब्रेक बॉन्ड हो गया फिर इसके बाद फॉर्म बॉन्ड्स करना है फॉर्म बॉन्ड्स करना सिक्स सीओ टू गैस में हो गया माइनस बारह डेल्टा एच बॉन्ड एंड ऑफ सी डबल बॉन्ड ओ माइनस तीन एच टू ओ में हो गया सिक्स डेल्टा एच बॉन्ड एंड ऑफ ओ सिंगल बॉन्ड एच और अगर मान लो ये लिक्विड होता अगर तो फिर माइनस थ्री डेल्टा एच वेपराइजेशन ऑफ एच भी तुमको करना पड़ता है क्योंकि बॉन्ड एनथेलपी का डेटा हम लोग गैस फेज में डालते हैं होमोलाइटिक बॉन्ड डिसोसिएशन के डालते हैं और आज हमने ये भी सीख लिया कि कैनोनिकल स्ट्रक्चर में डालते हैं ठीक है तो ये पूरा एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन है रेजोनेंस एनर्जी का कुछ एक दो क्वेश्चन हम लोग और देखते हैं ठीक है तो ये तो एक बात हो गई जहां पे हम लोगों ने रेजोनेंस एनर्जी को बॉन्ड एनर्जी के साथ रिलेट किया ठीक है अब जनरली जो क्वेश्चन मैंने अभी लिया वो काफी लंबा क्वेश्चन है और एग्जाम्स में मोस्टली आपको वैसे क्वेश्चन नहीं देखने को मिलेंगे ठीक है जो मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ क्वेश्चन है जैसे आपको मैंने पहले ही बताया कि एक एक कॉमन प्रैक्टिस है कि रेजोनेंस एनर्जी को नेगेटिव लिया जाता है ठीक है रेजोनेंस एनर्जी इज टेकन एज नेगेटिव जनरल एक कॉमन प्रैक्टिस है तो जो मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ क्वेश्चन होते हैं जो जनरली पूछे जाते हैं ठीक है तो वो क्या हो जाएगा देखो रेजोनेंस एनर्जी नेगेटिव है इसका मतलब हम लोगों को इस तरह से सोचना है कि हम कैनोनिकल स्ट्रक्चर से हाइब्रिड में जाएं तभी तो एनर्जी रिलीज होगी ना ठीक है कैनोनिकल स्ट्रक्चर से हाइब्रिड में जाएं तो ये है थ्योरिटिकल बेंजीन और ये है एक्सपेरिमेंटल बेंजीन ठीक है दिस इज द रियलिटी एंड दिस इज थ्योरी ठीक है तो इस प्रोसेस का जो एंथेलपी चेंज है उसी को हम लोग रेजोनेंस एनर्जी बोल सकते हैं और किसी भी प्रोसेस का जो एंथेलपी चेंज है वो फॉर्मेशन के टर्म्स में लिखा जा सकता है ठीक है फॉर्मेशन के टर्म्स में कैसे करते हैं बच्चों हम लोग फॉर्मेशन के टर्म्स में हम लोग प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट कर देते हैं हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट तो डेल्टा एच रेजोनेंस एंथेल्पी को आप ऐसे भी सोच सकते हो डेल्टा एच एफ ट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एक्सपेरिमेंटल माइनस हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ थियोरिटिकल ठीक है तो मोस्टली क्वेश्चन एग्जाम में बच्चों इस लॉजिक पर रहते हैं बस है ना और ये भी कोई फॉर्मूला बहुत सारे बच्चे याद करते हैं एक्सपेरिमेंटल माइनस थ्योरिटिकल तो इतना कुछ याद करने वाली जरूरत नहीं है भाई इसको फील करो किसी ये एक रिएक्शन है इसका डेल्टा एच निकालना है इसका डेल्टा एच रेजोनेंस एनथेल्पी होगा और इसका डेल्टा एच रेजोनेंस एनथेल्पी तो कहीं का भी डेल्टा एच क्या लिखा जा सकता है प्रोडक्ट का फॉर्मेशन माइनस रिएक्टेंट का फॉर्मेशन तो एक्सपेरिमेंटली हीट ऑफ फॉर्मेशन दे दे दिया जाएगा दे दिया जाएगा उसको माइनस करके निकाल लेना या इसलिए मैं बोल रहा हूं इसको थोड़ा सा समझो याद मत करो क्योंकि तो ऐसा हो सकता है कि कभी कम्बस्टन भी दे दिया जाए और कम्बशन अगर दे दिया जाएगा तो कम्बशन के टर्म्स मैंने तुम्हें सिखाया है वहां पर रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट हो जाता है तो यही चीज अगर कम्बशन के टर्म्स में करोगे तो डेल्टा एच डेल्टा एच कम्बन डेल्टा एच कंबशन थ्योरिटिकल माइनस डेल्टा एच कंबशन एक्सपेरिमेंटल हो जाएगा क्योंकि ये बात मैंने आपको पहले समझाई हुई है बच्चों क्या कि रेजोनेंस uh, के टर्म्स में जब हम लोग बात करते हैं है ना मतलब सॉरी जब हम लोग एंथेल्पी ऑफ कंबशन के टर्म्स में बात करते हैं तो वहां पर थ्योरिटिकल माइनस एक्सपेरिमेंटल हो जाएगा क्योंकि रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट करते हैं फॉर्मेशन के टर्म में बात करते हैं तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करते हैं ठीक है तो बस इस बात को हल्का सा फील करिए और इसको ऐसा याद करने की जरूरत नहीं है मोस्टली क्वेश्चन तो इसी लॉजिक पर बेस्ड रहेंगे ठीक है सो दैट कम्प्लीट अवर डिस्कशन ऑफ रेजोनेस एनर्जी और नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं अब हम लोग